अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव है, और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया, लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की? लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरंडी को, कभी किसी को, कभी किसी को लाते हैं, और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खास तौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं, ये आप समझ लें। दूसरों का पैंच उतार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ, तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी। अभी शिवाजी का देखी लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई, 45 से 47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का, वोटर पर कोई प्रभाव नहीं। अरे सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो ST SC हैं, दलित हैं, OBC हैं, EBC हैं, वो तो पूरा एक झूठ हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे, जब किसी भी चीज़ों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये ख़त्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़ जोड़ की राजनीति। सर, कंगना रनावत ने फार्मर्स को लेके, किसानों को लेके बयान दिया था कि अगर हालात नहीं संभलते तो बांग्लादेश जैसे हो जाते, इस पर अब BJP ने किनारा कशी की है उनके बयान से। सर देखिए एक बात समझिए, रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर, कंगना जी चॉइस किसकी है, कौन नेता की चॉइस है? ऐसे ऐसे कंगना जी, अंगना जी, ऐसे ऐसे लोगों को हिला करके राजनीति करिएगा तो क्या पाइएगा? आप हमको बताइए ना, उसको आज़ादी का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं। तो कंगना और के बारे में इस देश को गंभीरता से कोई लेता ही नहीं है, और BJP के पास कंगना टाइप के चीज़ों कुछ है ही नहीं। BJP के पास अब कंगना टाइप की ही चीज़ें बच जाएगी, आप इसको समझिए। तो इसीलिए उसकी उसको ही मत लीजिए। सर BJP कह रही है, सर TMC के नेता हैं कुणाल घोष, उन्होंने कहा है कि जो मूवमेंट छात्रों का या जो हालात बंगाल में दिख रहे हैं, इसके पीछे BJP कांग्रेस सब मिली जुली भी है, एक साथ ना बनना मूवमेंट तो चल रहा है सबको। देखिए एक बात समझिए, BJP तो का जो सोशल मीडिया है, टूल्स है, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया, आज जब CBI इंक्वायरी हो गई, आज जब सब कुछ सामने आ रहा है, पोलियोग्राफी हो रही है, तो आप हमको बताइए ना कि जिस तरीके से भी कहीं ना कहीं BJP का तो बैकअप है ही ना, BJP प्रभोग तो कर ही रही है। जस्टिस के लिए ममता दीदी खुद ही उतर गई है, और अब तो हम तो कहेंगे BJP को अविलंब फांसी की सजा हो, CBI इसकी तैयारी करे, 3 महीना के अंदर ख़त्म करिए इसको। बेटी के न्याय के लिए अब एक ही काम करना है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जहां भी बेटी का बलात्कार होता है, शोषण होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। सर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार में तालिबान राज है, देखा गया है, एक मामला पेश आया है, एक चोर को पकड़ करके मैं इस सब पे नहीं जाऊंगा। कौन क्या ट्वीट करते हैं, कौन नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलते हैं, कौन क्या कहते हैं, भैया मेरा कोई लेना देना नहीं। हम आग्रह करेंगे कि बिहार की जो दुर्गति सब लोगों ने मिल के किया है, अब बिहार को बकस दीजिए।